ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदाधिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम रेगुलर भगवद गीता का चर्चा ना करते हुए हम चर्चा करेंगे निर्जला एकादशी के ऊपर। तो निर्जला एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए। इसके कई कारण हैं, कई सारे इसके बेनिफिट्स हैं, कई सारे महान लोगों ने लोग व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एकादशी क्या है, एकादशी का व्रत रखने का क्या लाभ है, और फिर निर्जला एकादशी की क्या विशेषता है, इसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझें कि आप सब लोग डिबूटीज हैं, भगवान भगवान के वैष्णव हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एकादशी वैष्णव के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक्चुअली में ये तपस्या ना होकर एक तरह का उत्सव है, क्योंकि वैष्णव के लिए भगवान के नाम जपना बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य है। और एक एकादशी एक ऐसा दिन है जिसमें हम अधिक नाम जप करते हैं, या हमें करने चाहिए अधिक से अधिक नाम इस दिन हमें जपने चाहिए। और व्रत हमें ये करने में लाभ करता है, जैसे उपवास का लाभ, उपवास का मतलब ये है कि भगवान के समीप रहना। तो क्योंकि हम अपने बॉडीली नीड्स को कम कर देते हैं, जैसे कई लोग इस दिन बाल नहीं काटते हैं या नाखून नहीं काटते हैं या कई सारे ऐसे काम नहीं करते हैं, इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, केवल बात यह है कि कम से कम हम बॉडीली नीड्स को कम करें अपनी, और ताकि अधिक से अधिक हम ध्यान भगवान की भक्ति में लगा पाएँ, श्रवण में, कीर्तन में, चैंटिंग में। तो हम अपने शारीरिक आवश्यकताओं को कम करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा आहार, अत्याहार। हम सुनते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में रूप गोस्वामी द्वारा श्लोक नेक्टर इंस्ट्रक्शन का दूसरे श्लोक में बोलते हैं अत्याहारस्य प्रयासस्य परजल्पो नियमाग्रह इत्यादि। तो उसमें अत्याहार का मतलब हम सुनते हैं कि अत्यधिक आहार खाना, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसको तो हम चर्चा नहीं करेंगे। अधिक आहार खाने में वास्तव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और अत्याहार केवल आहार के लिए नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एक्यूमुलेशन करना मोर देन नीडेड। तो आहार एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे दिन में, पूरे दिन में काम बन गया है संसार में, पूरे दिन सब लोग आहार के लिए भाग रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे ही जरा सा ब्रेक मिलता है, जरा सा कोई उत्सव होता है, जरा सा कोई घर में कोई खुशी आती है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है, खाना खिलाओ हमें, पार्टी दो हमें। पार्टी कहाँ पर दोगे, समोसे मंगा लो, कचौड़ी मंगा लो, चलो वहाँ पर चलते हैं, कुछ मीठा खिलाओ, मुँह मीठा करो। तो सारे उत्सव हम खाने से ही मनाते हैं। तो पूरे दिन इंसान आज भी खासतौर पर कलयुग में तो कहते हैं खाने में ही प्राण है। हमने देखा था कोरोना के समय भी हम हैरान हो जाते थे कई बार, देखे कुछ शॉप्स ऐसी थी जो जब भी थोड़ा सा स्कोप मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से तो खुल जाती थी और लोग उसमें खाते हुए दिखते थे। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है या डिज़ायर्स हैं कलयुग में, शरीर जो हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, हाँ, लेकिन डिज़ायर्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। डिज़ायर्स बढ़ रही हैं अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स की वजह से जो संसार में दिखाए जाते हैं, प्रोपोगेंडा, चाहे टीवी पे, चाहे रेडियो में, चाहे दोस्तों के माध्यम से। आज मैंने वहाँ पर खाया, तू गया है, आज मैंने वहाँ से ये कपड़े सिलाए, कैसे लग रहे हैं इत्यादि।
तो हमारी डिजायर्स को कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर की शक्ति कम होती जा रही है, खाने की शक्ति कम हो गई है, पचाने की शक्ति बहुत कमी है वास्तव में, इसलिए हमसे ज़्यादा खाया नहीं जाता है वास्तव में। नहीं, आप इस बात को मानेंगे कि धीरे धीरे हम सबका डाइट बहुत कम होती जा रही है, थोड़े से खाने में हम सोच के जाते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे सब कुछ खा देंगे जो भी चीज़ वहाँ पे पड़ी है या बुफे में मिल रही है, लेकिन दो चार चीज़ों में वो भी समझते हैं, बुफे वाले भी हमें लालच देते हैं इतने रुपये में अनलिमिटेड, लेकिन वास्तव में हम खा नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी क्षमता बड़ी कम हो गई है। उसी तरह से बेड में अच्छे से अच्छे बेड में सोना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, बैकबोन प्रॉब्लम, नींद ही नहीं आती है, और इसी प्रकार से हर सेंस कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन डिज़ायर्स हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हेयर, हाँ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग तपस्या करें। हाँ तो खैर, इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये चर्चा करें कि एकादशी क्या है। एकादशी के दिन आप जानते हैं कि यदि एकादशी के दिन हम अन्न खाते हैं तो हमें नरक में जाना पड़ सकता है, क्योंकि संक्षेप में यदि बताएं कि जो जो मूल राक्षस था, जो कि साक्षात पाप पुरुष था, उसकी हत्या करी गई थी एकादशी देवी की मदद से। एकादशी देवी ने उसकी हत्या करी, मतलब उसको समाप्त किया, और भगवान ने बोला तुम क्या चाहती हो बताओ आज के दिन। तब वो बोलती हैं कि आज के दिन जो है बेसिकली मूल राक्षस को भी एक जब उसको मारा जा रहा था या उसको शाप मिला था या उसके सारे पाप समाप्त हो गए थे, एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो इस ऐसे में ऐसा हम सुनते हैं कि मूल राक्षस जो है भगवान के पास गया कि मेरा क्या होगा, मेरे पाप कहाँ जाएंगे अल्टीमेटली, अगर लोग एकादशी रखना शुरू कर देंगे तो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे संसार से। तो ऐसे में ये बोला गया कि पाप पुरुष ने ऐसा बोला। तो पाप पुरुष ने जब ऐसा बोला तब उसको ये ऑप्शन दी गई कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति अन्न खाता है उसमें सारे पाप चले जाएंगे। तो पाप पुरुष किससे बना है? ब्राह्मण हत्या से, स्त्री शोषण से, बाल हत्या से, गौ हत्या से, और चोरी से, चकारी, जितने भी पाप हैं वो पाप पुरुष का जीता जागता स्वरूप है। तो मूल राक्षस को भी आज के दिन मारा गया था एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन भगवान ने उनको, एकादशी देवी को ये वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति आज के दिन व्रत रखेगा, मेरा नाम जप करेगा, उसको परम धाम प्राप्त होगा और उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तब दूसरा उसका विकल्प ये निकला कि जो एकादशी के दिन खाएगा, अन्न खाएगा, वो सारे पाप उसके शरीर में चले जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं अक्सर कि एकादशी के दिन व्रत रखना मैंडेटरी है। वास्तव में आपके अंदर श्रद्धा कितनी है कितनी नहीं है छोड़ दीजिए, बाद में श्रद्धा बढ़ा लीजिएगा, लेकिन बेस्ट चीज़ यही कि अपने माता पिता को, जानकारों को किसी तरह से व्रत रखवा लीजिए एकादशी का। कोई शुक्ल पक्ष, कोई कृष्ण पक्ष का कोई लॉजिक नहीं है, दोनों ही पक्ष की रखनी है, क्योंकि एक पक्ष ही खाएंगे तो उस दिन हमें पाप चढ़ जाएगा उस पाप पुरुष का। तो इस प्रकार से ये सभी को रखनी है। पहली बात तो ये, तो एकादशी के बारे में आप जानती हैं इसलिए हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी। तो बेनिफिट्स ऑफ एकादशी भक्ति को बढ़ाने वाली है। एक तरफ तो पाप का नेगेटिव प्रचार है, नेगेटिव वे में कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। एकादशी के दिन विशेष ये वरदान है भगवान की तरफ से कि यदि हम एकादशी के दिन भगवान का जप इत्यादि करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो उसका विशेष लाभ मिलता है, ऐसा सारे शास्त्र बताते हैं। और हर एकादशी की एक अपनी स्टोरी है, लेकिन फिर भी हम समरी में ये समझ सकते हैं कि एकादशी का फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई इसको पारण करने की ज़रूरत नहीं है। कोई लोग सोचते हैं कि पारण मतलब इसका क्या कहते हैं वो लोग, समापन, उद्यापन इत्यादि, इसके कोई नीड नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं कि इसको तो केवल विधवाएं करती हैं। कई बार मैं हम लोगों से ये सुनते हैं तो कोई पत्नी कोई अगर करती है तो लोग उसको भड़का देते हैं, कोई बच्चा करता है तो कहता है अरे इसको तो बूढ़े लोग करते हैं, हमारे जरा जरा से बच्चे एकादशी रखते हैं। हमारे यहाँ पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से एकादशी रखना शुरू कर देता है। तो बचपन में तो आसान ही है, दूध ही पीता है, धीरे धीरे बड़े होकर भी हमारे बच्चे केवल फलाहार करते हैं। और सभी के लिए ज़रूरी है वास्तव में, ऐसा नहीं किसी के लिए ज़रूरी है किसी के लिए नहीं, क्योंकि जब आपने खाया तब पाप खा लिया। अब बताइए क्या हम अपने बच्चों को पाप खिलाना चाहेंगे? नहीं खिलाना चाहेंगे, इसलिए सभी के लिए ज़रूरी है। अब निर्जला का क्या विशेष महत्व है कि हम सुनते हैं खासतौर पर, इसको हम पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं, कि जब भीम को पता चला तो भीम ने बोला कि व्यासदेव से, भीम बोलते हैं देखिए व्यासदेव मैं भगवान केशव की
कैसे भी सेवा कर लूंगा, किसी भी जो बोलोगे उनके लिए वो करने को तैयार हूँ, पूजा अर्चना तपस्या सब कुछ कर दूंगा, लेकिन ये भूखा रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं दिन में एक बार भी खाना खाऊं वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कि ओनली वन टाइम। मुझे मेरे मेरे पेट में विशेष प्रकार की अग्नि जलती है, वृका वृकोधर उनको कहते हैं, जो अग्नि पाचन क्रिया के लिए, वो कुछ स्पेशल टाइप से इतनी अग्नि जलती थी कि वो जो खाते थे वो तुरंत पच जाता था, इसलिए वो अग्नि से, यदि वो खाते नहीं थे तो बड़ी बेचैनी जाती थी। तो उन्होंने बहुत विनती करी, बहुत चीज़ें बोली, फिर व्यासदेव उनको डिटेल में समझाते हैं, देखिए एकादशी में व्रत ना रखना इज़ नॉट एन ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप नहीं रखेंगे तो आप नरक में जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसमें क्या कुछ नहीं बता सकता। तब वो बड़ा घबरा जाते हैं, कहते हैं कैसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि महीने में दो बार पूरे साल पूरे ज़िंदगी में इसको रख पाऊँ, नहीं रख पाऊँगा। तो बहुत उसके बाद व्यासदेव ये विकल्प बताते हैं कि एटलीस्ट आप इस निर्जला एकादशी को रखें, जो ज्येष्ठ माघ के इसमें शुक्ल पक्ष में आती है, इसमें आप रखेंगे तो इसको इसमें रखने से आपको हर एकादशी का लाभ मिल जाएगा। इसलिए हम अक्सर कहते हैं यदि पूरे साल में हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। देखिए आजकल क्या है, कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। हमें कई बार सुनने को मिलता है कि दूध में भी लोग पाउडर मिलाते हैं, आटा मिलाते हैं। अब बताइए, आपने तो दूध पिया लेकिन उसमें सामने आपने अन्न खा लिया। अब पनीर में चीज़ें मिलावट है, तो हर चीज़ में मिलावट है आजकल। हाँ, इसलिए कई भक्त तो केवल फल ही खाते हैं। एनीवे, तो कहने का मतलब है पूरे साल में कहीं ना कहीं हमसे कोई एकादशी रखने में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। जैसे कि एकादशी का एक पारण का समय है, अगले दिन किस समय इसका व्रत को खोलना है उसका एक समय निश्चित किया जाता है, उसी समय पर इसका पारण किया जाता है। कई लोग एकादशी आज मना रहे हैं, वास्तव में वैष्णव लोग क्या मानते हैं, सामर्थ स्मार्थ ब्राह्मण जो हैं, अगर एकादशी दो दिन टच हो रही है तो वो लोग तब मनाते हैं जब सूर्यास्त के समय। हम लोग मनाते हैं कि सूर्योदय के समय यदि एकादशी है, तो जैसे आज कई लोग एकादशी मना रहे हैं, लेकिन आज सूर्योदय के समय इन द मॉर्निंग एकादशी नहीं थी, बाद में हुई, इसलिए हम लोग आज ना मना के कल सूर्योदय से ही एकादशी है, तो हम कल की एकादशी मनाते हैं। और इसका पारण का समय परसों 5:22 से चालू है, आई डोंट रिमेम्बर, 10:00 तक है शायद। तो उसी समय पर निर्जला है तो उसको जल पी के उसका पारण करना है, और है ना, उसके बाद में जो भी उसके तरीके हैं। तो अभी इसको कैसे रखेंगे इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले इसके बेनिफिट्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि एकादशी का बेनिफिट जनरल, एज ए जनरल स्पेसिफिकली निर्जला एकादशी, हाँ बहुत सारी हमसे त्रुटियाँ हो जाती हैं पूरे साल में, तो ये एक ऐसी एकादशी है जो उन त्रुटियों को दूर कर देती है। हाँ, यदि आप इसको निर्जल रखते हैं, निर्जल का मतलब खाना भी नहीं खाना है, ये ना हो कि आप सोच लें खा रख सकते हैं और पी नहीं सकते, तो निर्जल, जल भी ग्रहण नहीं करना है। ऐसा कहते हैं यदि आपको आचमन भी करना है भगवान की वर्शिप करने के लिए, तो हथेली में उतना पानी लेते हैं जितना कि मस्टर्ड सीड जो है, राई का दाना कह लीजिए, उतना पानी लेके ही आचमन करें, ऐसा बताया जाता है। तो पानी सवेरे आप दांत वान मान सकते हैं, और उसके बाद में, और दांत वान में भी आजकल केमिकल लगे होते हैं, पता नहीं टूथपेस्ट में वगैरह में, तो बेहतर है कि आप इसको पहले ही कर लें। कई लोग कहते हैं कि आप मॉर्निंग में खा सकते हैं एकादशी के टाइम से पहले, तो हाँ खा पी सकते हैं वैसे तो, क्योंकि एकादशी हम ब्रह्म मुहूर्त से मान लेते हैं, तो लगभग 4:45 समथिंग से ब्रह्म मुहूर्त है, मेरे को लगता है 3:30 इज़ अ सेफ टाइम। अगर आपको ज़्यादा कष्ट है तो 3:30 आप कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन जनरली तो हम ऐसे ही कहते हैं कि चलो थोड़ा सा पानी पी लीजिए सवेरे अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जितना आपका शरीर अलाउ करे उतनी तपस्या करें, ये भी ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं, तो ये फ़ायदा है निर्जला एकादशी का कि बाकी सारे एकादशियों की कमियों को ये पूरा करती है। अब जो है आगे की इसके फ़ायदे क्या हैं व्रत करने के, एकादशी रखने के, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कलयुग में हमारी सेंसेस कमज़ोर होती जा रही हैं, हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही हैं, डिज़ायर्स अनलिमिटेड डिज़ायर्स हमारी हैं, तो हमारे ये डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, तो इससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण कम होता जा रहा है। कलयुग के अंदर जैसा मन बोलता है व्यक्ति वैसा ही करने को तैयार हो जाता है, तो व्रत रखने से हमारे मन पे ज़बरदस्त नियंत्रण आता है हमारे अंदर, राइट, क्योंकि बुद्धि को इससे स्ट्रांगनेस मिलती है। क्योंकि मन पूरे दिन काफ़ी सारे विचार, काफ़ी सारी इच्छाएं करता रहता है ना, खाने की, पीने की, यहाँ चलना है, वो चलना है, हम उस मन को आज के दिन बांध के रख देते हैं, कहते हैं कि केवल भगवान का नाम जपना है। इसलिए कल कोशिश कीजिए अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। कई लोग तो 100 से अधिक नाम जपते हैं, कई लोग 192 माला जप लेते हैं, तो इस प्रकार से अलग अलग लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जितना कर सकते हैं करें, 64 माला कोशिश करें कर ही लें।
कम से कम एटलीस्ट इस, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में लोग रोज 64 माला करते थे, तो एटलीस्ट हम साल में एक बार तो कर ही सकते हैं, और कई लोग तो और भी माला करते हैं। तो अधिक से अधिक हम जब ये सेंसेस पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल आ जाता है। आप देखेंगे जितने भी व्रत इत्यादि आप रखेंगे इससे आपके अंदर ठहराव आएगा, आप अपने मन को रोक पाओगे, बोल पाओगे नहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बल्कि आप देखेंगे कि एकादशी के दिन आपका मन इतना विचलित भी नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको खाना ही नहीं है, आपको पीना ही नहीं है। आप देखेंगे बड़ी आसानी से आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा। और किसी नॉन एकादशी के दिन आपको कोई बोले कि पानी नहीं पीना है तो आप रह नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि कैसे हमारा मन पे कंट्रोल आ जाता है बुद्धि के माध्यम से। तो मन पे कंट्रोल जो है, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं चंचला ही मना कृष्णा। हाँ, तो बहुत ही चंचल है मन, इसको कंट्रोल करना और व्रत करना, नियम से इसको बांध देना एक बहुत बड़ी ताकत है वास्तव में। हाँ, अगर हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है। बहुत सारे लोग संसार में केवल इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, और मन उनसे ऐसे ऐसे काम करा देता है, ऐसे ऐसे थॉट्स ले आता है जो उन्हें, जो कि अच्छे नहीं है। तो इसलिए सेंसेस के ऊपर कंट्रोल प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम व्रत रखें। और टुमारो कल जो है, या निर्जला एकादशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इस कार्य के लिए। अब आगे चलते हैं, और क्या बेनिफिट है, और बेनिफिट तपस्या का, जैसे अभी हमने स्लाइटली टच किया था इसको। ऐसे कहते हैं कि तीन चीज़ें कभी नहीं बंद करनी चाहिए, दान, तप और यज्ञ। तो तप उनमें से एक है। हम बड़े से बड़े भक्त क्यों ना बन जाएं, सन्यासी बन जाएं और उसके ऊपर परमहंस बन जाएं, फिर भी हम लोगों को ये तीन चीज़ें नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा बोला जाता है। हाँ, जिसमें से कि तप एक है। तो तप किसको कहते हैं, जब हम वॉलेंटरीली कुछ पेन लेते हैं, जैसा शास्त्रों में बताया गया उसके अनुसार, इसको हम सब सुनेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम तपस्या कहते हैं। ब्रह्मा जी को भी भगवान ने सबसे पहले तीन शब्द यही सुनाए, वास्तव में एक ही शब्द सुनाया, तपह तपह तपह, और ब्रह्मा जी तपस्या में लग जाते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। और हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास बड़ा आवश्यक है, भगवान की कृपा और हमारा प्रयास। ये जो प्रयास है जिसमें बड़े कष्ट आते हैं हमको, हाँ, इसको तपस्या कहते हैं। जब हम रूल्स के हिसाब से अपने जीवन को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं और इसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं और उन कष्टों को सहन करते हैं, यही दिव्य तपस्या है। तपस्या भी कई प्रकार की हो सकती है, तपस्या आसुरी भी हो सकती है। रावण ने और हिरण्यकश्यपु ने भी तपस्या करी थी, लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं कहलाती है, वो क्या कहलाती है, आसुरी तपस्या कहलाती है। तो तपस्या के बारे में मैं चाहता था और डिटेल में डिस्कशन करें, तो अभी इसको यहीं पार करते हैं, आगे चलते हैं। और क्या बेनिफिट है, बायोलॉजिकल बेनिफिट कोई है क्या, शारीरिक बेनिफिट है क्या, मुझे कमज़ोरी नहीं हो जाएगी, क्या कोई और समस्या तो नहीं हो जाएगी। देखिए, जिसके भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम है वो डॉक्टर से डिस्कशन करे, उनके लिए हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिनके शरीर नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बहुत फ़ायदा है, बता दें आपको। सबसे पहले तो यही है कि किसी भी मशीन को जब हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, जैसे कार की आप सर्विसिंग कराते हैं तो कार को आपको सर्विस स्टेशन भेजना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप ऑफिस जा रहे हैं, कार भी सर्विस हो रही है ना, कैसे, आपको चलानी बंद करनी पड़ती है एटलीस्ट एक दिन के लिए, आप कोई और अरेंजमेंट करते हैं अपना और कार को सर्विस स्टेशन पर भेजते हैं। तो उसी तरह से हमारा शरीर, जैसे कोई मशीन की सफाई करनी है तो उसको कम से कम उसको इनपुट डालना बंद करना पड़ेगा ना, तब उस मशीन की सफाई होगी, मेंटेनेंस होगी। उसी तरह से हमारे शरीर की इंटरनल, इसमें निरंतर हम कुछ डालते रहते हैं। आप देखेंगे दिन में कितनी बार हम मुंह के अंदर कुछ डालते रहते हैं और हमें पता भी नहीं कि अंदर की हालत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है। मशीनों में तो आप देख लेते हैं, या अंदर तो फिर एक्सरे और बहुत कुछ कराना पड़ता है, उसमें भी कई चीज़ें पता ही नहीं चलती हैं कि क्या चल रहा है। इसलिए ये एक दिन ऐसा है जिसमें इनपुट को बंद कर दिया जाता है, और थोड़ी देर तक आउटपुट होता है, उसके बाद आउटपुट होना बंद हो जाता है। तो एक तरह से एक मेंटेनेंस का समय है, मशीन को विश्राम देने का बहुत अच्छा समय है। और क्या होता है कि ऐसे समय पर बॉडी से धीरे 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 सारे टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं। इसलिए बड़ा देखेंगे आप, जब अगले दिन हम इसका व्रत का पारण करेंगे तो बॉडी में से एकदम से ऐसा लगे कुछ फ्लश आउट हो रहा है, एकदम से आपको हो सकता है मोशन लग जाए, क्योंकि वो सारे टॉक्सिन एकदम से रिलीज होते हैं। इसलिए अगले दिन पारण कैसे करें, ये बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। एकदम से यदि आप अगले दिन बहुत बढ़िया पकवान बना के रखेंगे तो आपका तबीयत खराब होने के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। तो हम जब पारण करें तो धीरे धीरे स्लोली पहले जल ले लें, जल को भी हम हल्का सा उसमें गुड़ का पानी डला के उसको सॉफ्ट बनाते हैं, हल्का सा नींबू डाल सकते हैं,
इस तरह से सॉफ्ट ड्रिंक करके फिर धीरे धीरे हल्का आहार खिचड़ी और फिर जाके धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो इससे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन रिलीज हो गए और एक बहुत बढ़िया मेंटेनेंस हो गई बॉडी की। आप जानते हैं कि 25% ऐसा कहते हैं बॉडी की एनर्जी केवल खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, इसलिए अगर खा नहीं रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाएंगे ना, 25% एनर्जी तो खाने में लगती है, वो एनर्जी तो वैसे ही से हो जाती है। तो ये सब मेंटल गेम है। हम देखते हैं भक्तों को कि निर्जला के एक दिन भी वो पूरे काम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जबरदस्त कीर्तन कर रहे हैं, हमने देखा लोगों को घंटों तक जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और निर्जला है। तो ये इट्स अबाउट माइंड, हमें माइंड में ऐसा लगता है कि हम मर गए, समाप्त हो गए। तो कभी ये ना सोचें कि कैसे इस व्रत को रखेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। इसको एक उत्सव की तरह लीजिए, इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल कमिंग टुमारो, फॉर कृष्ण के लिए हम व्रत रखेंगे। कृष्ण, कई लोग कहते हैं क्यों, भगवान का जन्मदिन है तो एंजॉय कीजिए। आप सोच के देखिए, यदि कोई आपको, आपकी माँ यदि आपसे कहे कि बेटा तेरे लिए मैंने आज व्रत रखा है, तो कितनी अंदर से ऐसा लगता है मैं इसके लिए क्या कर दूं, मेरी लाइफ के लिए, मेरे वेल बीइंग के लिए इन्होंने व्रत रखा है, कितना प्रेम उमड़ता है हृदय में। उतना प्रेम उसमें नहीं उमड़ेगा अगर वो कहे कि बेटा तेरे बर्थडे के दिन मैंने 10-12 चॉकलेट मंगा के खा ली। मुझे नहीं लगता कि इतना प्रेम आएगा आपके हृदय में जितना इसमें आएगा कि तेरी सेहत के लिए मैंने आज व्रत रखा है। यानी किसी प्रेम करने वाले व्यक्ति के लिए यदि हम कुछ कष्ट लेते हैं तो सामने वाले के हृदय में प्रेम पैदा होता है, और इस तरह से हम लोग भगवान के लिए व्रत रखते हैं। हाँ, हमने देखा कि कात्यायनी, माँ कात्यायनी की का व्रत रखा गोपियों ने भगवान को प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन व्रतों को रखा है, हाँ, जिससे कि हमें भगवान का प्रेम मिल सके। तो ये भी एक बेनिफिट है कि इससे हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। यदि इसको हम तरीके से करें, आप अपने मन से ना करें, शास्त्रों के बताए गए तरीके से हम करते हैं, तभी उसको दिव्य तपस्या कहते हैं। हाँ, ध्रुव महाराज ने इसको किया, हमने देखा ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक घनघोर तपस्या करी। हाँ, तो ध्रुव महाराज, रांतिदेव की कथा हम कल सुनाएंगे आपको श्रीमद् भागवतम से, कि कैसे उन्होंने व्रत रखा और कैसे उनके सामने इतनी विकट समस्याएं आई, कैसे उन्होंने अपने मेंटल बैलेंस को बना के रखा। ये सब हम कल सवेरे और शाम की कथाओं में, शाम को हम कंटिन्यू रखेंगे, आज शाम को, कल सवेरे और कल शाम को, इन्हीं कथाओं को। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फास्टिंग, तपस्या, क्या मूड होना चाहिए, इसी को हम चर्चा करते रहेंगे। तो हमने सुना कि कैसे ध्रुव महाराज, गोपियों ने भी इसको रखा। तो बेसिकली हम भगवान के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड तरीके से तपस्या कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो इससे हम भगवान का हृदय जल्दी अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, भगवान को हम अपने ज्ञान से, अपनी ऑपुलेंस से, कुछ प्राप्ति से, कुछ पोजीशन से कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हम क्या नहीं सोच सकते ऐसा कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाता हूँ और किसी मंदिर में जाके प्रणाम करता हूँ तो वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस कृष्णा, क्योंकि कृष्ण के दरबार में तो ब्रह्मा जी, अनेक मुख वाले ब्रह्मा जी भी अपना सर झुकाते हैं, हम तो सर ऐसे आराम से झुका लेते हैं, ब्रह्मा के तो चार चार सर हैं, उनको सर पलट पलट के घुमाना पड़ता है, कैसे दंडवत होता होगा ब्रह्मा जी का, सोचिए। हाँ, रोलर कोस्टर ऐसे घूम घूम के दंडवत प्रणाम। हाँ, तो ऐसे ऐसे लोग जिनके दरबार में प्रणाम करते हो, तो हम कोई भी पद में, कोई भी पोजीशन में अगर भगवान के आगे जाके प्रणाम भी करते हैं, विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस हिम जितना कि यदि हम उनके लिए, हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए तपस्या करें इस प्रकार की, और इतनी ऐसी तपस्या करें जो प्रेस्क्राइब्ड है। कृष्ण कहते हैं उनको एकादशी का दिन बहुत प्रिय है ना, तो इस दिन हम भगवान के लिए अधिक से अधिक जप करके उनके लिए, एक प्रकार से उनके उनके प्रसन्नता के लिए हम व्रत इत्यादि करते हैं, तो भगवान को हम अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं अपनी भक्तिमयी तपस्या के कारण। तो हमने सुना किस प्रकार से एकादशी का फायदा है कि हम लोग भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा हम नर्क इत्यादि में जाने से बच सकते हैं, तीसरा निर्जला एकादशी में खास तौर पे पूरे साल में जो भी हमने गलतियां करी एकादशी के दिन उसको दूर किया जा सकता है, चौथा कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि माइंड हमेशा डिजायर्स करता है, यदि हम इसके डिजायर्स को पूरा करते रहेंगे तो माइंड बड़ा कंट्रोल इन इन कंट्रोल हो जाता है, यदि माइंड के डिजायर्स को इग्नोर कर दिया जाए तो माइंड कमजोर हो जाता है कि नहीं। किसी वैसे ऐसे नहीं होता कि जैसे किसी बच्चे की बात को अगर पूरा करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो बड़ा हठी हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, और उसके बाद इतना जिद करता है कई बार कि हमें पूरी करनी पड़ती है, यानी लेकिन यदि उसकी बातों को इग्नोर करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो वो टेम रहे, मेरी तो कोई वैसे भी सुननी नहीं है किसी ने, हालांकि ऐसा नहीं है, इट्स अ देयर इज अ वे कि कैसे बच्चे को परवरिश करी जाए, बट हम कह रहे हैं कि इसी तरह से माइंड की इच्छाओं को अगर हम पूरे करते रहेंगे
तो बहुत स्ट्रांग बन जाता है और फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि हम उसको इग्नोर करेंगे, हाँ इग्नोर कैसे करा जाता है ये प्रभुपाद बताते हैं। तो एकादशी के व्रत के दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम केवल इस पे ना फोकस करें, 4 घंटे हो गए पानी पिए, 5 घंटे हो गए पानी पिए, ओहो 3 घंटे बचे हैं, 8 घंटे बचे। कई लोग तो यही सोच सोच के परेशान रहते हैं पूरे दिन। बिल्कुल इस बारे में मत सोचिए कितने घंटे बचे हैं और कितने घंटे हो गए हैं। केवल कोशिश कीजिए अपने आप को कैसे बिजी रखा जाए भगवान की कथा को सुनने में, जप करने में और पठन में या किसी ऐसी चीज़ में। भक्तों के साथ में रहिए, हो सके तो पॉसिबल है तो, ताकि ऐसा विचार हो। साथ में रह के भी ये चर्चा ना कीजिए कितने घंटे बचे हैं, कोशिश कीजिए कुछ हम डिस्कशंस करें, कथा करें। तो माइंड को एंगेज करें, एक तरह से उसको डिप्राइव करें उसके डिज़ायर्स के लिए, दूसरी तरफ उसको भक्ति में एंगेज करें। इस प्रकार से आप देखेंगे पूरा दिन आसानी से निकल जाएगा। तो ये फ़ायदा था चौथा, कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी प्राप्त करते हैं ऐसे व्रतों के द्वारा। उसके बाद हमने सुना किस प्रकार से तप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तपा, जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या करने से हमें अगेन माइंड कंट्रोल मिलता है, अगेन भगवान की प्रसन्नता इसमें है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को भी तपस्या करने के लिए बोला, लेकिन ये तपस्या दिव्य होना चाहिए। तो तपस्या और हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। बड़े बड़े महिषी नाम ना थे कि बड़े बड़े महात्मा लोगों को भी तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और हमारी तपस्या हिरण्यकश्यप और रावण जैसी नहीं है, हमारी तपस्या यही है। उन्होंने कई सालों तक नहीं खाया, हमें केवल एक दिन नहीं खाना पीना है जैसा कि प्रस्क्राइब है। तो इसलिए तपस्या का जो बल है ये हमें मिलता है ऐसे व्रत रखने से, एकादशी से। तपस्या कैसे और क्या और क्यों और कब, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने बाद के लेक्चरों में। गीता के 17वें अध्याय से हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके बाद छठा लाभ हमने सुना कि बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हमने सुने, किस प्रकार से शरीर के टॉक्सिन निकलते हैं, शरीर की ओवरहॉलिंग, एक दिन रेस्ट मिलता है बॉडी के, बॉडी को, और इस प्रकार से फास्ट रखने से एक अलग प्रकार की एक एनर्जी शरीर को फिर से प्राप्त होती है। तो ये बेनिफिट है, कई सारे लोगों ने इसको किया, हमने ये सुना ध्रुव महाराज ने किया व्रत को। आप सुनते हैं कि 6 महीने किस प्रकार से उन्होंने एक बारी में कंदमूल, जो जंगल में कंदमूल मिलते हैं ना उनको खाया, फिर उन्होंने सूखे हुए पत्ते जो गिरते हैं उनको खाया, हाँ, और फिर 3रे महीने में उन्होंने केवल जल ग्रहण किया, फिर 4थे महीने में उन्होंने सांस, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद एक बार सांस ली, और 5वें महीने में कहते हैं उन्होंने सांस छोड़ के एक टांग पर खड़े हो गए, और 6ठे महीने में साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। ज़बरदस्त भयंकर तपस्या करी थी। हम इतनी कड़ी तपस्या तो हमें नहीं करने को बोला जा रहा है, केवल एक दिन, नॉट अ बिग डील, जब उसके इतने सारे हर तरह के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं तो इसको कर लेना चाहिए। लेकिन करने के लिए आपको आज से कुछ एहतियात रखनी पड़ेगी। आज से आप लोग ऐसा ना है कि आज से ही खाने पीने पे कंट्रोल करें। यदि आप आज पेट फाड़ के खा लेंगे, खासतौर पे अब इस वक्त, तो अगले दिन मॉर्निंग में आपको ज़बरदस्त प्यास लगने वाली है। कई लोग सोचते हैं कि अगले दिन पूरे दिन भूखा रखना है, पेट को फाड़ के बिल्कुल ऐसा भर लो कि अगले दिन पूरा यूज़ होता रहे, ऐसा नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि बॉडी की 25% एनर्जी पचाने में चली जाती है, हाँ, तो आपकी एनर्जी और खर्च हो जाएगी और प्यास ज़बरदस्त लगेगी। तो आप इस वक्त तो खासतौर पर लाइट ही कुछ खाना खाएं अब से लेकर, क्योंकि ये इस वक्त का खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है शाम का, हाँ, कुछ भी तला वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं जिससे प्यास ज़्यादा लगती है, तो कोशिश करें। और भी इसके कई सारे टिप्स हो सकते हैं, इसके पारण करने के हमने टिप्स डिस्कस किए कि पारण कैसे करें। पहले हल्का सा जल लें उसमें, और फिर उसके बाद हम जगन्नाथ जी की राइस लेते हैं कई बार एकादशी का व्रत तोड़ते हुए, और उसके बाद में हम आहार, हल्का आहार लें और फिर उसको हैवी आहार में जा सकते हैं, ठीक है। कल के दिन बल प्राप्त करने के लिए हमने पूरे दिन कुछ कुछ कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रयास किया है। हमने कोशिश की है कि हर 2-2 घंटे में, 1.5 घंटे में कुछ कुछ करें। तो सबसे पहले तो कल गाजियाबाद मंदिर में आम उत्सव है, तो हम लोग मंदिर को सजाएंगे, कुछ लोग जाएंगे वहाँ पर जो ऑल्टर में जा सकते हैं, वो मंदिर में आम से पूरा ऑल्टर को सजाएंगे। इसके दर्शन, इसका शेड्यूल हम आपको भेजने वाले हैं, दर्शन आरती के समय दर्शन हो सकते हैं, लेकिन तब तक हम शायद वहाँ ना पहुँच पाएँ। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग वहाँ पर लगभग 9:30-9:15 के करीब चलेंगे, उस वक्त हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको उसको टीम्स पे दिखाने के लिए। और उसके बाद में हमने 2 गेम्स का आयोजन किया है 2 बार, और हमने एक क्विज प्रोग्राम रखा है। तो आज का लेक्चर, कल सवेरे का लेक्चर और कल शाम के लेक्चर के ऊपर हमें क्विज कंपटीशन करने का प्रयास कर रहे हैं, शाम को 8 बजे इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर। उसमें अलग अलग टीम्स आपकी बनाई जाएंगी, और बीच बीच में हम
हर 1.5-2 घंटे में इस प्रकार से कुछ गेम्स या कुछ कुछ करते रहेंगे। तो भक्तों के संग में हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की तपस्या का जो लाभ है, जो बेनिफिट है, वो यही है कि हम भक्तिमय भक्ति को प्राप्त करने के लिए इसको कर रहे हैं। हम ये निर्जल एकादशी इसलिए नहीं कर रहे कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाए, मेरे जीवन से मेरा ये फ़ायदा हो जाए, मेरा वो फ़ायदा हो जाए। इस तपस्या के बदले में जो हम करने जा रहे हैं, हम भगवान से केवल एक चीज़ मानते हैं, क्या बेस्ट बेनिफिट, के बेस्ट चीज़ क्या रहेगी कि तृणादि अपि सुनिचेन, कि मेरा हृदय एकदम कोमल हो जाए, हम ह्यूमिलिटी मेरे अंदर बस जाए, क्योंकि ऐसे ही भाव में भगवान के निरंतर नामों का कीर्तन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो हर अवस्था में, हर हाल में निरंतर भगवान के नामों का जप करे, भक्ति करे, तो उसके लिए उसको विनम्र होना पड़ता है, अहंकार समाप्त करना पड़ता है, अपनी ईगो समाप्त करनी पड़ती है, भगवान के प्रति शरणागति करनी पड़ती है। तो ये प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं कि हमारे अनर्थ चले जाएं, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस आए, जिससे कि हम भगवान आपकी भक्ति को और अच्छे से कर पाएं। तो ये प्रार्थना का मूड हमारा होना चाहिए अगर हम ये तपस्या करने जा रहे हैं। तो तपस्या इसलिए नहीं करने जा रहे कि हम हमारे अंदर एक नई शक्ति आएगी, नया बल मिलेगा, दिव्य कोई शक्ति मिलेगी, नॉट फॉर दिस, और ना ही अपने किसी और बेनिफिट के लिए। केवल और केवल इस तपस्या का बेनिफिट यही दिमाग में रखें कि हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो। हाँ, और राधा रानी और बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करें, राधा रानी हमें कृपा प्रदान करें कि ये इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, हम इसको सफलतापूर्वक कर पाएँ। ये भी ना सोचें कि मैंने पिछली बार कर ली थी, मैं तो आसानी से कर लेता हूँ, या जो भी है, हमेशा डिपेंडेंसी क्रिएट करें भगवान के ऊपर। हे भगवान, हमें इतना बल देना कि हम इसको रख पाएँ आपका ध्यान करते हुए। ऐसा भी ना हो कि आप व्रत रख लें और पूरे दिन उसके बाद बिस्तर में लेटे रहें कि मैंने निर्जला एकादशी रखी, हाय मर गया। इससे बेहतर है कि आप फल खा लें और भगवान के नामों का जप करें, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने नाम नहीं जपे, एक्स्ट्रा राउंड्स नहीं करे, श्रवण नहीं कर पाए, कीर्तन है, क्योंकि आप मरे पड़े हैं बिल्कुल बिस्तर में, तो ऐसी एकादशी रखने का लाभ नहीं होगा वास्तव में। वास्तव में हमने डिस्कस किया था शुरू में ही, उपवास का अर्थ ही यही है, भगवान के समीप रहना, और इसीलिए बॉडीली आवश्यकताओं को कम किया जाता है ताकि हम नाम जब इत्यादि कर पाए, नहीं तो पूरे दिन किचन 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 चलती रहती है, या हम खाते रहते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, फिर नहाते रहते हैं। इसलिए एक दिन जीवन की सारी आवश्यकताओं को साइड में कर दिया जाए ताकि हम हरि नाम कर पाएँ, दैट इज़ अ पर्पस। इसलिए ऐसा व्रत ना रख लें कि कहीं हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं और व्रत रखा हुआ है। इसलिए अपनी बॉडी को देखते हुए ही तपस्या करें, दिव्य तपस्या करनी, आसुरी तपस्या नहीं करनी है। इतनी कड़ी तपस्या असुर करते हैं कि अपना गला काट लिया, मर गए। हम लोग उतनी तपस्या करते हैं जितने में भक्ति कर पाएँ, और लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने आप को खींचना भी हमारा ही काम है। हाँ, इतना आसान कोई वस्तु नहीं है, ये भी ध्यान रखें कि बहुत ही आसानी से जब तक रखी जाएगी तब तक रखेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा हिम्मत की आवश्यकता है। जब आपका दिल हिलने लग जाए, जब आपको लगे अब मैं नहीं रख पाऊँगा, तब मेरी एडवाइस है किसी भक्त से ज़रूर बात करें जो कि आपको शक्ति प्रदान करे। हमने देखा है उस शक्ति को मिलते ही हम करने लगते हैं, कुछ नहीं होने वाला ऐसा बताते हैं कि हमारी बॉडी में इनफ रिजर्व है कि वो एक दिन आपको भूखा रख सके, कोई समस्या नहीं वास्तव में टेक्निकली मेडिकली कि आप एक दिन रख के इसको रख पाएँ। तो कई बातें ध्यान रखने की हैं कि मूड क्या है, कि हमें भक्ति प्राप्त हो, ना कि कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो। और क्या है, मूड यह है कि हमारे अंदर योग्यता नहीं कि इस व्रत को हम रख पाएंगे, लेकिन राधा रानी, बलराम जी, वैष्णव गुरु, इन सब की कृपा से हम इसको रख पाएँ, ऐसी प्रार्थना हम करें। अधिक से अधिक नाम जप करें, श्रवण कीर्तन करें, ऐसा ना हो कि हम बिस्तर पे पड़े रहें, बीमार हो जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। और भाई कई सारी चर्चाएं हैं कि तपस्या किसको कहते हैं, दिव्य तपस्या क्या है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी तपस्या क्या है, और फिर हम चर्चा करेंगे कि रांति देव ने किस प्रकार एक दिन नहीं 48 दिन तक व्रत रखा इसको भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो आप लोगों के कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है इस व्रत के लिए, तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, शिल प्रपात की जय।